ट्रिपल ए की डिस्कशन कर ली. वी अंडरस्टैंड ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग क्या है. अब ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग कराने के लिए जो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं वो यूजुअली ये दो हैं. और क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो भी इन्हीं दो को सपोर्ट करती है. अदरवाइज अगर देखा जाए तो ट्रिपल ए की दुनिया में जो ऑथेंटिकेशन कराने वाले प्रोटोकॉल्स हैं वो और भी मौजूद हैं, और वो भी प्रोफेशनली टेलको इंडस्ट्री में यूज होते हैं. उनमें से एक बहुत मोतबर नाम जो है वो डायमीटर का है. डायमीटर इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉल विच इज यूजली यूज फॉर ट्रिपल ए पर्पजेस. बट नॉर्मली इन आईपी वर्ल्ड और आईपी बेस्ड सेटअप्स वी यूज रेडियस फॉर नेटवर्क ऑथेंटिकेशन पर्पजेस एंड टेकएक्स फॉर शेल कमांड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पर्पजेस, यानी डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. अच्छा जी, रेडियस जो है दैट इज फेमस प्रोटोकॉल. और रेडियस स्टैंड्स फॉर, रेडियस स्टैंड्स फॉर रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस. सो रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस इज रेडियस. And TechX stands for Terminal Access Controller, Access Control System. Terminal Access Controller, Access Control System. ये protocol भी AAA के लिए इस्तेमाल होता है. ये protocol भी AAA के लिए इस्तेमाल होता है. Differences क्या हैं उनको देख लेते हैं. सबसे मेन चीज जो प्रोटोकॉल की जो जो नॉमनक्लेचर है या जो प्रोटोकॉल की जो फंक्शनैलिटी है उसमें जो मेजर फर्क है वो ये है कि रेडियस यूजेस यूडीपी वेयर एज टेकएक्स यूजेस टीसीपी. तो इस तवसत से क्योंकि टेकएक्स टीसीपी यूज करता है और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है तो इसके अंदर आपकी जो डेटा की रिलायबिलिटी है उसके तमाम तर अवामिल टीसीपी पर छोड़ दिए गए हैं. टेकएक्स इस चीज़ की परवाह नहीं करता, इस चीज़ की तशवीश इसको नहीं रहती कि शायद जो रिक्वेस्ट मैंने ट्रिपल ए सर्वर की तरफ भेजी है हो सकता है वो रिक्वेस्ट ना पहुंचे तो मुझे उसके अंदर कोई प्रोटोकॉल लेवल पर एक्नॉलेजमेंट रखनी चाहिए. तो टेकएक्स में ऐसा कुछ नहीं है. रेडियस क्योंकि कनेक्शन लेस है ये यूडीपी लेयर को इस्तेमाल करता है, लिहाजा इसमें इस चीज का लिहाज रखना कि कहीं रास्ते में पैकेट ड्रॉप ना आ गया हो, इसकी जो एबिलिटी है वो रेडियस की एप्लीकेशन लेयर में डाली गई है. सो रेडियस की जो अपनी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसका ये एक खासा है कि अगर कोई रिक्वेस्ट इसको कुछ खास टाइम तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आए तो उस रिक्वेस्ट को रीट्रांसमिट करना है. ये रेडियस का एप्लीकेशन लेयर का डिसीजन तो हो सकता है बट यूडीपी प्रोटोकॉल इसके लिए लीस्ट बॉदर्ड है. टेकएक्स प्रोटोकॉल की जो एक पब्लिक या ग्लोबल पोर्ट है दैट इज 49 टीसीपी. रेडियस की जो पोर्ट्स हैं वो अब काफ़ी सारी लिखी हुई हैं, 18, 12, 18, 13, 16, 45, 16, 46, ऑल ऑफ यूडीपी. तो ये क्या है, देखिए आइस की जो पीएसएन है उस पीएसएन के ऊपर जैसे ही आप डिवाइस एडमिन सर्विस एनेबल करेंगे, आपको याद होगा हमने कल एक चेकबॉक्स डिस्कस किया था डिवाइस एडमिन सर्विस का. सो डिवाइस एडमिन सर्विस का चेकबॉक्स जैसे ही इनेबल करेंगे आपकी पीएसएन के अंदर एक टीसीपी की पोर्ट नंबर 49 का लिसनर खुल जाएगा. मींस
PSN जो है that will start listening TechX requests. So your PSN actually listens on TCP port 49 for TechX. उसके बाद हमारे पास session services थी PSN के ऊपर और हमने बोला था कि ये session services इंतहाई important हैं. अगर हम इस चेकबॉक्स को ही बंद कर देंगे तो गोया हम अपने PSN पर रेडियस प्रोटोकॉल को डिसेबल कर रहे होंगे. तो अगर हम थोड़ा सा उस चीज को दोबारा रिविजिट कर लें जो हमें PSN पर नजर आ रही थी, तो यहां आप देखिए ये वो चेकबॉक्स है डिवाइस एडमिन सर्विस का, जिसको इनेबल करने से हम अपने PSN के ऊपर TCP पोर्ट 49 का लिसनर एक्टिवेट कर रहे हैं. और ये वो चेक बॉक्स है जिसको इनेबल करने से हम UDP की पोर्ट 1812 या 1813 या 1645 या 1646, इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं, हम इनका लिसनर एक्टिव कर रहे होते हैं इसको इनेबल करके. So this corresponds to radius, this thing corresponds to TechX, TechX plus specifically. अच्छा जी, तो radius के अंदर ये इतनी सारी ports क्यों हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. अगली चीज ये है जो डिफरेंस है दोनों प्रोटोकॉल में, वो ये है कि जो रेडियस प्रोटोकॉल है, दिस प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट्स ओनली द पासवर्ड फील्ड. मींस कि आपकी पीएसएन के साथ जो कम्युनिकेशन होगी, ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन करेगा वो नैड है, तो नैड और पीएसएन के दरमियान जो रेडियस कम्युनिकेशन होगी, उस कम्युनिकेशन का जाहिर है जो भी पैकेट होगा उस पैकेट के अंदर यूजर नेम भी होगा, उसके अंदर पासवर्ड भी होगा जो ट्रैवल करेगा कहां से, सप्लिकेंट से जो यहां कनेक्ट होगा या एंड पॉइंट. सो ये एक्चुअली इस डेटा को फीड करेगा नैड को, और नैड उस डेटा को एक पैकेट में रख के पीएसएन तक भेजेगा. सो यूजर नेम है, पासवर्ड है और काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो एंड पॉइंट से पुश होगी सो दैट ये पीएसएन तक पहुंचे. तो जो रेडियस का पैकेट है उसमें सिर्फ ये जो पासवर्ड है इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा, ताकि अगर कोई मैन इन द मिडल यहां से स्निफिंग करता है तो वो पासवर्ड को ना समझ पाए, बट उसको बाकी यूजर नेम कौन है ये और बाकी पासवर्ड के अलावा हर चीज उसको यहाँ क्लियर टेक्स्ट नजर आ सकती है. So this is encrypts only the password field. But when it comes to TechX, TechX encrypts the entire payload, which means if a NAD is talking to a PSN using TechX protocol, तो इस NAD को जो भी endpoints की तरफ से या NAD के अंदर से जो क्रेडेंशियल्स एमिट होंगे, जाहिर है वो किसी पैकेट में स्टफ होंगे और वो पैकेट TechX का पैकेट होगा. इस पैकेट के अंदर आईपी का हेडर और टीसीपी का हेडर छोड़ के ये जो जगह है अंदर, ये वो है जहां TechX का पेलोड है. दिस इज TechX पेलोड. इसमें यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है, यकसा वही चीजें जो रेडियस में होती है. ये जो पेलोड है ये पूरा का पूरा इंक्रिप्ट होता है TechX में. सो NAD और PSN के दरमियान लेयर 3 और लेयर 4 के हेडर को छोड़ के पेलोड में जो भी कुछ है वो सारा का सारा इंक्रिप्टेड होता है. वो या तो NAD को पता है क्या है वो, या PSN समझ सकता है. दरमियान में अगर कोई उसको मैन इन द मिडल करने की कोशिश करे तो वो उसको रीड आउट नहीं कर सकता. So, अगर हम देखें यहां पर तो फिलहाल पल्ला भारी TechX का जा रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड भी है और ये सिक्योर भी ज्यादा है. ड्यू टू दिस ये सिक्योर भी ज्यादा है.
अच्छा जी, आगे आ जाते हैं रेडियस में। इट कंबाइंस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। व्हाट डज इट मीन? इट कंबाइंस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन एंड इट सेपरेट्स बोथ। ये ऐसे है कि देखिए, हमारे पीएसएन में जब भी कोई नैड इंटरेक्ट करेगा पीएसएन के साथ, चाहे वो रेडियस पे करे चाहे वो टैकेक्स पे करे, उसके स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप है कि वो अपने आप को ऑथेंटिकेट कराएगा। दूसरा स्टेप है, वो अपने आप को ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद वो चाहेगा कि उसको पता चले कि वो ऑथराइज्ड किस किस काम के लिए है, क्या क्या चीजें हैं जो उसको इजाजत है करने की। और तीसरी चीज क्या होगी कि उसको अकाउंटिंग का पता चले पीएसएन को कि उसने क्या क्या किया। सो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग, ये तीन स्टेप्स हैं। ऑथेंटिकेशन क्या चीज है? ऑथेंटिकेशन के अंदर ऑब्वियसली आप यूजर और उसका पासवर्ड दे रहे होंगे, और भी चीजें हो सकती हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूजर और पासवर्ड। ऑथराइजेशन क्या है? ऑथराइजेशन की एक एग्जांपल क्या हो सकती है? एग्जांपल हो सकती है कि जी आपको बता दिया जाए यू बिलोंग टू VLAN 10, दिस इज योर ऑथराइजेशन। और अकाउंटिंग क्या होगी? What is accounting? Accounting में आएगा कि session आपका start हो गया XYZ time पर, let's say 10 o'clock पे। So this is accounting information। अब होता क्या है कि radius के अंदर आप from a NAD You request कि मुझे authenticate करो, आप request करते हैं authentication के लिए, response में PSN आपको authenticate भी कर देता है और साथ ही साथ आपको यह भी बता देता है कि आप authorize किस चीज के हैं। यानी आपने username और password push किया, जवाब में आया कि आपको इजाजत है और आपकी VLAN है 10, सो आपको इजाजत है, ऑथेंटिकेशन हो गई, आपकी VLAN है 10, आप ऑथराइज हो गए। और उसके बाद नेट ये बता देता है ठीक है, यूजर कनेक्ट हो गया है, अपने पास रिकॉर्ड कर लें कि यूजर कनेक्ट हो चुका, दैट इज सेशन स्टार्ट, अकाउंटिंग शुरू हो गई। सो आप देखिए कि हमारे जो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन है वो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आई है और उसके अगेंस्ट आप ऑथेंटिकेशन एक्सेप्ट भी हो गए हैं और आप ऑथराइज भी हो गए हैं। एंड द थर्ड मैसेज इज कि आप नेड की तरफ से आप अकाउंटिंग स्टार्ट करा देते हैं। सो इट्स लेस टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियस। दिस इज व्हाट इज कंबाइंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। But when it comes to TechX, it separates authentication and authorization. Why it separates authentication from authorization? It separates authentication from authorization because TechX is made for device administration. Its primary purpose is device administration, control and audit. Whereas Radius primary purpose is network access. Now, what is the difference between these two? देखिए, network access में क्या होता है? Network access में ये होता है कि एक switch है, आप उस switch के ऊपर आए हैं, connect हुए हैं as a PC, और आपका मकसद ये है कि आप authenticate हों और आपको VLAN मिल जाए और आप communication start कर दें। That is it. This is what you want. क्या once you are authenticated and you are associated with VLAN 10, this is all done, क्या आपको दोबारा consult करने की जरूरत है
PSN के साथ दरमियान में कहीं, व्हाट डू यू थिंक? दिस इज अ टिपिकल नेटवर्क एक्सेस केस. यू कम टू द स्विच, इनिशियली यू प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड योर स्विच इज टोल्ड टू पुट यू इन VLAN 10. You are associated with VLAN 10 and your communication starts. Do you need to consult somewhere during your communication again with PSN when it comes to network access use case? Kya khayal hai? इसका मतलब तो ये है कि बार बार ये उससे ऑथराइजेशन ले रहा है, ऐसा तो अगेन एंड अगेन. जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट नेटवर्क एक्सेस यूज केस, तो वो यही होता है ना नेटवर्क एक्सेस यूज केस, कि आपका पीसी आके स्विच की पोर्ट से कनेक्ट किया, स्विच की पोर्ट ने टिपिकल जो नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल सिनेरियो है जिसको हमने पढ़ना है आगे, नैक ही तो वो एजेंडा है जिसके लिए हमने आईस को स्टडी करना है from a data plane perspective. तो जब PC आके connect होगा port के ऊपर, तो NAC यही तो करेगा कि usually port बस up हो जाती है. We are used to of it. Ethernet में cable plug की and Ethernet never argues के who you are, prove yourself, then I will tell you what you can do and stuff like that. Ethernet is just a straightforward protocol. You connect your cable and it starts working. उसमें NAC ही तो डालना है. So once you add NAC feature set, you blend it with NAC ability, your Ethernet will start arguing that who you are, first tell me, prove yourself. Once you prove yourself who you are, I will tell you what you can do and stuff like that. This is a typical NAC case. So isme main ye keh raha hu ki once you connect to the port, initially you need to authenticate. Once you get authenticated, you are authorized for a certain VLAN as an example. And afterwards, the life starts sailing smooth. You have no need to consult PSN again. You will consult your PSN once you disconnect. When you will disconnect, you will turn off your PC, you will unplug your wire or stuff like that. Then the accounting session stop message will go to the PSN so that PSN can release the license. But once you get connected to the switch and you are initially authenticated and authorized, then you do not consult PSN again, usually in radius. So authentication and authorization both can be done together for this use case. In this use case, you want your user to be onboarded as soon as possible. So user gives username and password, and in result, he is not only authenticated, but authorized as well. I hope it makes sense why both of these are combined in this radius protocol. But dusri taraf, when you talk about TechX, to TechX ka kya maksad hai? Why TechX is there? We know it is for device administration. So device administration mein TechX kya karta hai? उसका उसको अगर हम डीपर लुक दें तो उसमें क्या कुछ हो रहा होता है, हो ये रहा होता है, फर्क है थोड़ा सा. यू हैव अ स्विच, यू कनेक्ट योर पीसी टू द स्विच पोर्ट मे बी, एंड यू आर ट्राइंग टू लॉग इन द स्विच iOS. आप उसके शेल में लॉग इन होने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज वेयर TechX विल कम इनटू the story. It will kick in and it will argue who you are, prove yourself, then I will tell you what you can do. So this is kind of a management plane AAA. This is different kind of a AAA jiske liye TechX bana hai. Acha, isme jab aap iOS ko SSH karte hain ya iOS ko aap telnet karte hain, to aapse zahir hai username pooch liya jayega. आपसे स्विच या राउटर या ASA या WLC आपसे वो डिवाइस यूजरनेम पूछेगी, पासवर्ड पूछेगी.
ठीक है, ये दोनों चीजें देने के बाद आपको शेल मिल जाएगा, यू विल प्रेस एनेबल, आपसे फिर पासवर्ड पूछा जा सकता है या यूजर और पासवर्ड पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको जरा प्रिविलेज शेल मिल जाएगा। अब ये जो प्रिविलेज शेल मिल जाएगा आपको, इस प्रिविलेज शेल तक आने के लिए आप अभी तक ऑथेंटिकेशन से गुजरे हैं और ऑथराइजेशन से गुजरे हैं। अब मान लीजिए कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन अगर क्लब्ड होती जिस तरह से रेडियस में होती हैं, तो क्या होता, आप शुरू में यूजर नेम और पासवर्ड देते और रिजल्ट में आपको आपका PSN डिवाइस ये कह देता कि यू आर अलाउड टू लॉग इन एंड यू आर अलाउड, वंस यू लॉग इन यू आर अलाउड टू डू XYZ एक्शंस। अब वो XYZ एक्शंस की जो लिस्ट है वो क्या होगी, जाहिर है वो कोई कमांड्स होंगी जो आपने चलानी है, शेल में तो आप कमांड चला नहीं जाते हैं ना। तो अब अगर आपको 1000 कमांड चलाने की इजाजत है, तो क्योंकि रेडियस ने तो वो 1000 की 1000 कमांड्स की जो लिस्ट है वो ऑथेंटिकेशन के दौरान ही पुश कर देनी है नैड की तरफ कि लो ये वो कमांड्स हैं जो इसको चलाने की इजाजत है, तो वो कहां रखेगा इतनी सारी कमांड्स, ये नैड। डज इट मेक सेंस टू यू? टेकएक्स ये कहता है कि जब भी कोई यूजर आके लॉगिन हो iOS के अंदर, ये iOS PSN से रब्ता करे जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन, पहले तो सिर्फ ऑथेंटिकेशन की बात करे और मुझसे वर्डिक्ट ले ले। जब मैं कह दूं हाँ यूजर इज अलाउड, इसकी ऑथेंटिकेशन अलाउड है, उसके बाद अब मुझसे ऑथराइजेशन के बारे में पूछे अलग से और मुझसे पूछे कि वो क्या करना चाह रहा है, यानी वो एनेबल कमांड चलाना चाह रहा है, जी पूछो मुझसे। वंस यू टाइप एनेबल ऑन iOS शेल या प्रॉम्प्ट, तो ये एनेबल की कमांड के लिए एक जदीद परमिशन लो मुझसे, तो आप CLI में एनेबल लिख के एंटर करेंगे, वो एनेबल की कमांड पीछे PSN के पास जाएगी, PSN देखेगा कि ये कौन सा यूजर है जो पहले से प्री ऑथेंटिकेटेड है और वो ये कमांड चलाना चाह रहा है, यानी सेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और अगर उसके लिए एनेबल की कमांड की इजाजत है, तो कमांड्स की लिस्ट यहां पड़ी हुई है, दिस इज द लिस्ट ऑफ अलाउड कमांड्स विच रिजाइड्स ऑन PSN, तो आपने यहां एनेबल चलाई, PSN से पूछा इसको चलाने दो, PSN बोलेगा हाँ एनेबल चलाने दो, तो आपकी कमांड इनेबल यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद आप यहां पे आके कन्फिग टी लिखेंगे, तो ये कन्फिग टी की कमांड भी जदीद, इसके लिए परमिशन रिक्वेस्ट जाएगी, देन एंड देयर अगेन एन ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट विल गो टू PSN कि एक यूजर है प्री ऑथेंटिकेटेड है, बस बता दो क्या वो ये कमांड चला सकता है, तो PSN देखेगा लिस्ट में अगर इसके लिए ये कमांड अलाउड है तो वो कह देगा हाँ अलाउड है, तो आपकी यहाँ कमांड चल जाएगी। और अगर PSN ये समझे कि ये कमांड नहीं है इस यूजर के लिए अलाउड, तो यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन फेल्ड का मैसेज आ जाएगा और आपकी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो नेटवर्क एक्सेस केस के अंदर वंस यू कनेक्ट यू गेट ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड एंड यू हैव नो नीड टू कंसल्ट PSN अगेन। बट In case of TechX, once you authenticate, you need to consult PSN again and again to seek permission either to execute a certain command for a particular user or not. So due to the nature of use case, authentication should be totally a separate aspect and authorization should be a separate aspect. Both of these mechanisms should be able to work independent of each other. Whereas Radius ke andar, once you get authenticated, at that point you get authorized once forever till your session lasts. But in TechX, you get authenticated and whatever action you want to do, you seek permission for it again and again, a latest permission for that.
So that is why authentication and authorization is separate capability or a function in DACH protocol, whereas in RADIUS it is combined. So last point jo hame clear karna hai wo ye tha ki why do we have so many ports in RADIUS? RADIUS mein aur DACH mein इस चीज को यूं कंक्लूड कर लीजिए कि जब आप डिवाइस एडमिन सर्विस एनेबल करेंगे तो टीसीपी पोर्ट 49 एनेबल हो जाएगी आपके पीएसएन में. यही वो पोर्ट है जिस पे तीनों ए परफॉर्म होंगे. यानी अगर आपकी पीएसएन का आईपी है 192.168.1.171 तो 192.168.1.171:49 के ऊपर यूजिंग टीसीपी प्रोटोकॉल, इसी के ऊपर आप ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भी भेजेंगे, इसी सॉकेट के ऊपर आप ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भी भेजेंगे और इसी सॉकेट के ऊपर आप अकाउंटिंग लॉग्स भी पुश करेंगे. कहां से? फ्रॉम अ नैड. In NAT push कर रहा है. Only one port you will knock with. अच्छा, when it comes to RADIUS, तो याद रखिए RADIUS या ये दो ports use करता है या ये दो ports use करता है. अब ये आपके NAT पर मुनासिर है कि वो कौन सी ports use करेगा, या आपके नैड्स इन पोर्ट्स पर हिट करते हैं या आपके नैड्स इन पोर्ट्स पर हिट करते हैं. ये दो पोर्ट्स, दो तो चाहिए हैं लेकिन इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब होगा. 1812 लेटेस्ट आरएफसी के मुताबिक है रेडियस की पोर्ट्स, और 1645 एंड 1646 ये रेडियस की ओल्ड आरएफसी की पोर्ट्स हैं. यानी रेडियस का जो जो उसमें जो इनोवेशंस हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो जो पहला शुरू का रेडियस था उसकी जो डिफॉल्ट पोर्ट्स थी वो 1645 और 1646 तय पाई थी शुरू में. एंड लेटर डाउन द रोड एज द इनोवेशंस केप्ट ऑन गोइंग समवेयर ड्यूरिंग दैट एवोल्यूशन प्रोसेस द डिजाइनर्स ऑफ रेडियस चेंज्ड इट्स पोर्ट्स from 1645 and 1646 to 1812 and 1813. So ever since that point onward, अब जितने भी AAA server radius पर listen करते हैं उनमें अहलियत इन दोनों ports पर listen करने की, इन दोनों pair of ports पर listen करने की अहलियत होती है, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सा NAT legacy ports पर hit करेगा और कौन सा NAT latest revised ports पर hit करेगा. लिहाजा आज तक जितने भी रेडियस सर्वर्स आपको मार्केट में मिलेंगे उनकी मजबूरी है कि वो इन दोनों पोर्ट्स के ऊपर जो लिसनिंग है उसकी एबिलिटी जो है वो अपने उस सर्वर सॉफ्टवेयर में रखते हैं. सो इज द केस ऑफ आइस. आइस आल्सो लिसन्स ऑन बोथ ऑफ दीज पेयर्स फॉर रेडियस. सो आप आइस के साथ रेडियस पे बात करना चाहें तो 1645 और 1646 के साथ भी कर सकते हैं और 1812 और 1813 पर भी कर सकते हैं. इट्स योर कॉल. ये दोनों पीछे रेडियस प्रोटोकॉल के ही लिसनर्स हैं. अच्छा, तो दो पेयर्स के दरमियान का फर्क तो ये निकला कि एक पुरानी आरएफसी के मुताबिक है, एक नई आरएफसी के मुताबिक है. काम एक ही है दोनों का. लेकिन ये दो क्यों हैं? ये दो इसलिए हैं कि इनमें से जो पहली पोर्ट है that is for first two A's और ये जो port है that is dedicatedly for accounting only. क्योंकि radius जो है वो accounting के ऊपर बहुत ज़्यादा believe करता है और accounting इसके लिए बड़ी important है इस protocol के लिए. ये बड़ा strong है accounting में. यही वजह है कि जहाँ भी आपने billing करनी होती है, billing होती ही हमेशा accounting data की base पर है. So wherever you have a billing case, रेडियस से अच्छा प्रोटोकॉल आपको आईपी नेटवर्क्स में और कोई दिखता नहीं है.
क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल अकाउंटिंग डेटा जनरेट करता है। ये आपको मिसाल के तौर पर बताता है यूजर कब कनेक्ट हुआ, यूजर कितनी देर तक कनेक्ट रहा, यूजर ने कितने बाइट्स एक्सचेंज किए। लिहाजा उस डेटा की मदद से फिर बिलिंग सॉफ्टवेयर बाइट बेस्ड टैरिफ्स और टाइम बेस्ड टैरिफ्स इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि आज के डेटा नेटवर्क्स में आप अक्सर देखते हैं। 4G जो आप सेलुलर सर्विस यूज कर रहे हैं उसमें बाइट बेस्ड टैरिफ हैं, और पास्ट में इंटरनेट में आपने देखा था कि मंथली और बल्कि अभी भी जो आपका वायर्ड इंटरनेट है उसमें मंथली फ्लैट टैरिफ भी आता है। तो टाइम बेस्ड, बाइट बेस्ड, दिस इज ऑल ड्यू टू द रिच अकाउंटिंग अवेलेबल इन रेडियस प्रोटोकॉल। तो क्योंकि अकाउंटिंग डेटा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इसका लिसनर और इसका सॉफ्टवेयर थ्रेड और पीछे सीपीयू पर चलने वाला इसका जो एक थ्रेड है लिसनर का, वो ही सेपरेट कर दिया गया ताकि अकाउंटिंग मिस ना हो, और है भी यूडीपी पे, तो वी डू नॉट वांट टू लूज एनी सिंगल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो पहली पोर्ट बोथ केसेस में इज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पर्पसेस, एंड सेकेंड पोर्ट इज डेडिकेटेड फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। सो विद दिस वी आर डन विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेकएक्स वर्सेस रेडियस।